जय हिंद साथियों, एक बार फिर स्वागत है बेस्ट एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों बात करने वाले हैं एसएसबी ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट 2020 की फाइनल मेरिट लिस्ट के बारे में और मेडिकल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, काफी बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर क्या पहले हमारा मेडिकल होगा या उससे पहले भी एक रिजल्ट यहाँ पर जारी होगा। तो ऐसे में हमने ट्रेड टेस्ट पास कर लिया है, लेकिन क्या हमें मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, नहीं बुलाया जाएगा, कितने गुना कैंडिडेटों को मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, साथ ही जो हमारी फाइनली जो मेरिट लिस्ट बनने वाली है वो कैसे बनने वाली है। सर मेरे 55 नंबर बन रहे, मेरे 60 नंबर बन रहे, क्या इस बार मेरा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, बिल्कुल इस वीडियो में उन्हीं के बारे में पूरी की पूरी जानकारी आप लोगों को डिटेल से मिलने वाली है। बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा जरूर देखना। जानकारी अच्छी लगे अपने दोस्तों के पास में जरूर शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं और आगे आने वाली एसएसबी ट्रेड्समैन भर्ती से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। सबसे पहले आप सभी को बताऊंगा, इसमें जितने गुना कैंडिडेट पास करने थे उतने ट्रेड टेस्ट में बच्चे पास नहीं हो पाए। इसका सबसे बड़ा ये कारण था कि मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स भी बच्चे नहीं ले पाए, और उसकी वजह से काफी बच्चे ऐसे थे जिनका सिलेक्शन यहाँ पर जिनको ट्रेड के लिए नहीं बुलाया गया। अगर मैं बात करूं तो टोटल आप लोगों की जो वैकेंसी है वो टोटल जो आप लोगों की पोस्ट है वो 1522 वैकेंसी है, और अगर मैं बात करूं तो ट्रेड के लिए इसके 20 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाने वाला था और ये संख्या लगभग 30,400 के लगभग थी। लेकिन यहां पर जो ट्रेड के लिए बुलाया गया था वो आप लोगों के मात्र 20,000 के लगभग कैंडिडेटों को ही ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया गया था। अब जो भी बच्चे ट्रेड दिए हैं, लगभग मैं मान के चलूं तो लगभग 70% बच्चे ने, कम से कम 20% बच्चे अब्सेंट थे। बाकी अगर मैं बात करूं तो 20% बच्चे ऐसे थे जो ट्रेड में बाहर हो गए थे, 60% बच्चे बच्चे। अब आप यहां पर देख सकते हैं 60% की अगर मैं बात करता हूं यहां पे तो लगभग लगभग 8 से 9 हजार बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ट्रेड क्वालिफाई किया है, जिन्होंने ट्रेड क्वालिफाई किया है। एवरेज में आप लोगों को बता रहा हूं 8 से लेकर 9 हजार कैंडिडेट ऐसे रहेंगे जिन्होंने ट्रेड क्वालिफाई किया है 20,000 कैंडिडेटों की लिस्ट में से। अब ये 8,000 जो कैंडिडेट आप लोग देख रहे हैं, इनका फाइनली इनका मेडिकल करवाया जाएगा और उसके बाद में मेरिट लिस्ट आने वाली। अब सबसे बड़ी बात आती है कि क्या सर अभी एक और कट ऑफ जारी होगी मेडिकल के लिए भी, क्योंकि ऐसा होता है बीएसएफ में भी होता है, एसएससीजीडी में भी होता है, सीआरपीएफ में भी होता है। तो बिल्कुल मैं जाहिर सी बात आप लोगों को क्लियरली बता दूं, यहां पर आपकी जो वैकेंसी है, जितनी आप लोगों की वैकेंसी दी गई है, जैसा कि वैकेंसी आपकी टोटल 1522 है और आपने जिस पोस्ट से अप्लाई किया है उस पोस्ट में जितनी आप लोगों की वैकेंसी है उसके 3 गुना कैंडिडेट को, कितने गुना कैंडिडेटों को, वैकेंसी 1522 है और 3 गुना कैंडिडेटों को बुलाया जाएगा कहां पर, मेडिकल के लिए। अगर मैं अप्रोक्स संख्या की बात करूं तो लगभग अप्रोक्स संख्या रहेगी ये 4,000 के लगभग अप्रोक्स आप लोगों की ये संख्या रहने वाली है। मतलब 4,000 बच्चों को यहां पर मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा और इन 4,000 बच्चों में जो बच्चे मेडिकल फिट होंगे उनमें से 1522 बच्चों का फाइनली सिलेक्शन यहां पर होने वाला है। अब बात आते हैं कि सर दो बार मेरिट लिस्ट जारी होगी तो मेरिट है वो कितने नंबर तक बढ़ सकती है। देखो एसएसबी ने कट ऑफ नहीं बताया, अगर वो कट ऑफ बताता तो हम आपको आइडियाज के अनुसार बता देते भाई कि कट ऑफ आपकी 5 नंबर ज्यादा जाएगी या 7 नंबर ज्यादा जाएगी, तो ये चीज तो हम आपको बता नहीं सकते। लेकिन मैं अगर बात करूं तो लगभग जो कट ऑफ थी वो 50 से 55 के बीच में ही रही है सभी ट्रेडों की कट ऑफ। अगर आपके नंबर बढ़ रहे हैं 60 से लेकर 70 के बीच में या 70 प्लस अगर आपके नंबर बढ़ रहे हैं तो भाई आपका चांस बनता है, लेकिन ये निर्भर करेगा आपकी कैटेगरी पर। अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं, ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपका स्कोर कम से कम 65 प्लस तो होना ही चाहिए, 65 प्लस होना चाहिए। हो सकता है ये कट ऑफ 70 प्लस भी जा सकती है, कई ट्रेडों की जैसे ड्राइवर की कट ऑफ हाई देखने को मिल सकती है। अगर मैं एससी एसटी की बात करता हूं तो एससी एसटी वाले जो भी कैंडिडेट हैं जिनके 60 प्लस भी नंबर बन रहे तो भाई उनका फाइनली सिलेक्शन होने का चांसेस यहां पर बन जाएगा। मेडिकल के लिए आप बिल्कुल तैयार रहिएगा, और मेडिकल को लेकर काफी बच्चों के कमेंट आते हैं तो भाई जल्दी आप लोगों के लिए मेडिकल का एक सेपरेटली वीडियो मिल जाएगा जिसमें मेडिकल में क्या क्या चीजें आप लोगों की चेक होने वाली है ये पूरी विस्तार से मैं आपको जानकारी बता दूंगा। इसके साथ ही मैं बता दूं एसएससी जीडी का आप लोगों के लिए ऑफिशियली तरीके से एसएससी ने कैलेंडर जारी कर दिया है और आप लोगों के लिए हमारा जो ब्रह्मास्त्र बैच है वो फिर से शुरू हो चुका है, क्योंकि आप सभी को पता है जो हमारा बेस था न्यू प्रेरी बेस, लगभग 70% से ज्यादा बच्चे क्वालिफाई हुए हैं इस बार एसएससी ट्रेड्समैन 2020 में, और नया बेस स्टार्ट किया है ये केवल एसएससी जीडी को टारगेट लेके किया गया है और अभी इस बैच में चल रहा है भारी ओपन। जी हां दोस्तों, बेच हमारा शुरू होगा 15 तारीख से,
लेकिन 15 तारीख तक जो भी बच्चा परचेज करेगा उसे ये 999 में नहीं 399 रुपए में मिलेगा, जिसमें ऑल सब्जेक्ट की लाइव और रिकॉर्डेड दोनों क्लासें मिलेगी, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, टायर सीरीज मिलेगा, सब कुछ। इसके साथ ही अगर आप एसएसबी ट्रेड्समैन 2023 के लिए अप्लाई किया है तो भाई न्यू प्रेरी बेच ज्वाइन कर सकते हैं, 399 रुपए में पूरा का पूरा रिकॉर्डेड बेच आप लोगों को मिल जाएगा। इसके साथ ही एसएससी जीडी की बुक के बारे में काफी कमेंट आते रहते हैं, तो चक्षु पब्लिकेशन के काफी अच्छी गाइड मार्केट में आ चुकी है, जिनमें दो गाइड मिलेगी, एक आपकी संपूर्ण गाइड रहेगी और दूसरा आप लोगों का प्रैक्टिस सेट रहेगा। दोनों ही बुकें काफी अच्छी है, काफी इंपॉर्टेंट है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, अपनी तैयारी को और ज्यादा बेहतरीन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपके कितने नंबर बन रहे और कौन से ट्रेड से आपने ट्रेड टेस्ट पास किया है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं। तो दोस्तों वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।